भी ऑफिस के अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। चीफ से हम लोगों की मुलाकात अक्टूबर के महीने में हो, ये हम लोग प्रार्थना पर देकर के आए हैं। एजेंट साथी कस्टमर को लेकर के अकेले इनके पास जाता है तो उसको कहते हैं गलत कंपनी, पैसा फंसाया था, जिसको दिया उससे लेना। निवेशकों जागो, कार्यकर्ताओं जागो, घरों से निकलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि PSL के निवेशक अपना पैसा जल्दी पाने के लिए किस तरह से कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन SEBI और RM लोडा कमेटी पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई का असर नहीं हो रहा और SEBI न्यूज़ चैनलों और न्यूज़पेपर के द्वारा सभी निवेशकों को भ्रमित कर रही है कि हमने 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए दे दिए हैं। और आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि किन निवेशकों को SEBI ने रुपए लुटाए हैं, क्या SEBI उन निवेशकों की कभी लिस्ट दे सकती है, क्या SEBI उन निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर सकती है, क्या SEBI एक एक निवेशकों को रुपए लुटा सकती है, और RM लोडा कमेटी के हेल्पलाइन नंबर पर क्यों कई दिनों से कोई भी निवेशक उनसे बात नहीं कर पा रहा। और आपके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे जो आप SEBI और RM लोडा कमेटी से जानना चाहते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए 21 सितंबर को भारतीय लोक सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राम सागर शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा शशि मौर्या जी व अन्य कार्यकर्ताओं PSL के भुगतान में हो रही समस्या के समाधान के लिए UP के सबसे बड़े SEBI अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें निवेशकों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े के बारे में बताया, लेकिन उन्हें SEBI के अधिकारी से क्या जवाब मिला आप स्वयं ही सुन लीजिए। निवेशकों को आने वाली समस्याओं को लेकर के आज हम 7 सदस्यीय टीम लेकर के हम लोग आए थे। राजेश कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय लोक सेवा दल पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा शशि मौर्या जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ अजीत कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष लखनऊ राजकरण जी, वेद प्रकाश जी जिला सचिव, और श्रीदेवी जी। हम सभी लोग जो है आज SEBI ऑफिस के अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। वो लोग किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि हम SEBI जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, कुछ भी शिकायत करो। सर नेम के विषय में बात हुई, वो भी उन्हें नहीं मालूम है। किसी भी प्रकार से हम लोग कहे कि हिंदी भाषित पेपर में दैनिक जागरण है, उजाला है, राशि सहारा है, जो गांव-गांव के लोगों तक जाता है। हमारा निवेशक एक गांव से बिलोंग करता है, वो नेट पे नहीं देख पाता है, मेल पे नहीं देख पाता है। ये भी काम SEBI के अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात जानकर बड़ा दुख हुआ। और अगर हमारा कोई एजेंट साथी कस्टमर को लेकर के अकेले इनके पास जाता है तो उसको कहते हैं गलत कंपनी, पैसा फंसाया था, जिसको दिया उससे लेना। इसके विषय में भी हम लोगों को बहुत सारा दुख हुआ है। कम लोग, 7 लोग आ जाए थे तो उस तरीके से हम लोगों का सम्मान नहीं किया, सम्मानित बात नहीं की गई, ना बात सुनी गई। मैं चाहता हूँ 500 लेकर के 5000 लोगों को जब हम लोग भीड़ लेकर आते हैं तो यही अधिकारी एक बिल्ली की तरह दुम हिलाते रहते, कुत्ते की तरह दुम हिला करके आगे पीछे रहते, किसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन समाप्त करो, हमारी सारी बातें मानने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत जल्द आज हम लोग देकर के आए हैं हेड ऑफिस SEBI मुंबई के चीफ से हम लोगों की मुलाकात अक्टूबर के महीने में हो, ये हम लोग प्रार्थना पर देकर के आए हैं, क्योंकि इनसे कोई बात करना ठीक नहीं, वहीं पर जाकर बात करना है। निवेशकों जागो, कार्यकर्ताओं जागो, घरों से निकलो। अगर 2-3 दिन के अंदर वहाँ से हमें टाइम नहीं मिलता है मुलाकात करने का, एक बड़ी तैयारी करिए। सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ के SEBI ऑफिस को हजारों हजार की संख्या में ला करके इनको घेरने काम करेंगे। या तो हम लोगों की बात यहाँ पर सुनी जाएगी, या फिर ये SEBI के अधिकारी ये ऑफिस लखनऊ में नहीं रहेगा। इस बात को तय करके हम लोग आज यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी प्रकार से 22 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के 7 जिलों में इंसाफ की आवाज़ संगठन और भारतीय लोक सेवा दल से अभय कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष छतरपुर के देवेंद्र कुशवाहा, कोषाध्यक्ष छतरपुर के रमेश कुशवाहा के नेतृत्व में PSL के निवेशकों को हो रही समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर कार्यालय छतरपुर और गुना जिले के साथियों ने कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर
मांग पत्र दिया और निवेदन किया कि सेबी कार्यालय से हम निवेशकों को हो रही समस्या से निवारण किया जाए और साथ ही हमारे द्वारा दिए गए मांग पत्र को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भी देने का निवेदन किया और साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी दिया जाए ताकि सेबी पर दबाव बनाया जा सके। और आप साथियों से अनुरोध भी किया है कि कोरोना वायरस का बहाना लेकर घर पर बैठने से निवेशकों के भुगतान की समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला, अतः अब समय आ गया है कि अपने घर से निकलकर इन सेबी के बेईमानों से जंग लड़कर अपनी समस्या से छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।